फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक बहुत ही स्पेशल केस। स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम मैंने बनाया, लटकाया, और मैंने देखा कि इसका टाइम पीरियड निकल कर आ रहा 1/10 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन ये कर रहा है, 10 वाइब्रेशन ये कर रहा है। ठीक है, ये क्या है इसका? ये इसके अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी? ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेशन करेगा। कौन से वाइब्रेशन करेगा? फ्री वाइब्रेशन। अगर एक बार इसे आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया इसकी बीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और छोड़ दिया, तो ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, यानी 1 सेकंड में 10 बार ये ऑसिलेशन करेगा, ये कहलाई जाएगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आपने क्या काम किया? इसे सेट नहीं किया, इसे फ्री नहीं छोड़ा, इसे फ्री नहीं छोड़ा इस पेंडुलम को, आपने इस पेंडुलम को फ्री ना छोड़कर अपने हाथ में पकड़ लिया जैसे मैंने उसे पकड़ा हुआ था, और आप इसे वाइब्रेट कराने लगे, आप इसे फोर्स्ड वाइब्रेशन आपने कराने लगे। या जरूरी हाथ में पकड़ना जरूरी नहीं है, तो मैंने हाथ में पकड़कर आपको दिखा दिया क्योंकि मुझे आसान रहे कि ये चीज़ है, ये मैंने हाथ में पकड़कर ऐसे चल, तो अब ये फोर्स वाइब्रेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये फोर्स वाइब्रेशन पीरियडिक होता है एक्चुअली। ये देखो, ये फोर्स वाइब्रेशन है इस टाइम, ये फोर्स वाइब्रेशन है। तो जो मेरी उंगली है लगातार इस पे फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन जो पीरियडिक तो फोर्स लगा रही है। अब जो वाइब्रेशन है वो इसके नेचुरल वाइब्रेशन से तो डिफरेंट है ना। देखो, ये इसका नेचुरल, ये इसकी नेचुरल वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं लगा रहा हूँ कुछ और, ये मैंने फोर्स लगा रही है। अब ये पीरियडिक फोर्स है, दिस इज पीरियडिक फोर्स। अब इस पर आपने जो पीरियडिक फोर्स लगा दी, तो अब इस बॉडी को बेचारे को क्या करना होगा? अब इसको तो पीरियडिक फोर्स के, पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही इसे वाइब्रेट करना होगा। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स वाइब्रेशन लगाए, पीरियडिक फोर्स इसके ऊपर आपने लगाई, कौन सी फोर्स लगाई? पीरियडिक फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन में जब आपने एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करी, तो बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, इसे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी या जो पीरियोडिक फोर्स है उसी की फ्रीक्वेंसी से इसे इसे काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसे ऑसिलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अब देखना जरा क्या होगा, ये बॉडी है, ये बॉडी, इसके ऊपर मैं पीरियडिक फोर्स लगाने वाला हूं। ठीक है, अभी तो देखो मैंने ये पीरियडिक फोर्स लगाई, ये पीरियडिक फोर्स लगाई, तो जो पीरियडिक फोर्स है मेरी उसी फोर्स, उसी फ्रीक्वेंसी से इस बॉडी को वाइब्रेट करना पड़ेगा। जो भी पीरियडिक फोर्स है उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना पड़ेगा। अब मैं अपनी पीरियडिक फोर्स थोड़ी बदल रहा हूं। देखो, मेरी पीरियडिक फोर्स कितनी है? जितनी इसकी अपनी, देखो ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, और मेरी जो पीरियडिक फोर्स है वो भी इस, उस मेरी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है बिल्कुल। जब ये अपनी एक्सट्रीम पॉजिटिव पर आ रहा है, तब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ। तो देख रहे हो जरा, अब फिर से देखना ध्यान से, अब मैंने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके वाइब्रेशन को आप देखो जरा कैसा है। और जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही,
मेरी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों बिल्कुल एक जैसी है। तो देखना कितने बढ़िया वाले ऑसिलेशन कर रहा है ये, कितने तकड़े तकड़े झोंटे ले रहा है, जिसे हम बोलते हैं झुलाते हैं झोंटे। झोंटे तकड़े कब लेगा, जब आप एग्जैक्टली उस टाइम फोर्स लगाएं जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर आ गया, यानी कि आपके जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो, पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो ये कंडीशन कहलाती है क्या, ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या है ये, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स इन फोर्स्ड वाइब्रेशन, जब पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी पीरियड में इज इक्वल इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू द नेचुरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड बिकम वेरी लार्ज, बहुत बड़े एम्पलीट्यूड हो जाते हैं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या कहलाती, ये कंडीशन अब कहलाती है क्या, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। एक्चुअली इक्वल होना जरूरी नहीं है, पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ सही से करने की, कि अनइक्वल फ्रीक्वेंसी होगी पीरियडिक फोर्स की तो भी एम्पलीट्यूड लार्ज हो सकते हैं, तो भी रेजोनेंस हो सकता है। फिर हम इसको थोड़ा सा, इस वर्ड को, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। देखो ध्यान से, ये बॉडी है वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट कर रही है। एक बार ये, अब मैं हर बार इसको लगाता रहूं तो इसके इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना बढ़िया, कितना तकड़े तकड़े एम्पलीट्यूड लेने लगी है। लेकिन अब क्या, इसके इस केस में मेरी मेरी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इक्वल है किसकी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी की। पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी की इक्वल है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये एक बार आए, एक बार मैं खाली छोड़ दूं और दो बार दूसरी बार मैं फोर्स लगाऊं। एक बार मैं इसे खाली छोड़ रहा हूं, दूसरी बार मैं इसके फोर्स लगा रहा हूं, तो अब भी तो एम्पलीट्यूड बढ़िया वाले हो रहे हैं, है ना। जब आप झुलाते हो अपने किसी साथी को तो आप हर बार फोर्स नहीं लगाते, आप बीच बीच में एक आध बार रोक भी लेते हो तो भी एम्पलीट्यूड बढ़िया मिलता है आपको। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मेरी जो पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस टाइम तो देखो मेरी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, क्योंकि हर बार जब भी ये अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ रहा है तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखना, अब क्या है, अब एक बार खाली एक बार फोर्स, एक बार खाली एक बार फोर्स, एक बार खाली एक बार फोर्स, तो भी तो एम्पलीट्यूड बढ़िया हो गया, तो भी तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खाना जरूरी नहीं है। अच्छा, और भी ज्यादा बढ़िया एम्पलीट्यूड करना है आपको, तो क्या आपका एक साथी यहाँ खड़ा हो जाएगा और एक साथी यहाँ खड़ा हो जाएगा। अगर बहुत कोई कोई ज्यादा ही हिम्मत वाला बच्चा है आपका साथी, तो एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, इधर वाले ने मारा जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचा, इधर वाले ने मारा जब ये निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचा, तो अब दो बार फोर्स लगेगी एक ऑसिलेशन में। तो अब क्या हुआ, अब आपकी जो पीरियडिक फोर्स है इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इधर भी लग, ए दोनों दोनों तरफ से लगा रहा हूँ मैं। देखो एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक यहाँ यहाँ मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। देखो ये दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, हर बार फोर्स लग रही है, हर बार फोर्स लग रही है। तो अब पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दुगनी है, तब भी रेजोनेंस आ जाता, तब भी आपके ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे। तो हम कुल मिलाकर क्या कहेंगे, कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, हमें इक्वल वर्ड यूज नहीं करना। हालांकि ज्यादातर बुक्स में इक्वल ही लिखा हुआ है,
जबकि इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्या है? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स किसमें, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन में, फोर्स ऑसिलेशन इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है ट्वाइस या हाफ या थ्राइस या वन थर्ड या फोर टाइम्स या वन बाय फोर टाइम्स, ये सब इंटीग्रल मल्टीपल कहलाते हैं। दुगुनी हो, तिगुनी हो, चार गुनी हो, पांच गुनी हो, सौ गुनी हो, दस पचास गुनी हो, या आधी हो, या एक तिहाई हो, चौथाई हो, एक बटा पांच, ये सब इंटीग्रल मल्टीपल। इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो क्या होगा द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बिकम वेरी लार्ज, द एम्पलीट्यूड बिकम वेरी लार्ज, हेंस दिस कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ये कंडीशन आपकी रेजोनेंस कहलाती है, ठीक है। रेजोनेंस का एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है रेजोनेंस का, क्या कि जब आप एक शंख, शंख जो बजाने वाला शंख है, इसे आप अपने कान पर रखें तो क्या होता है, तो इसमें से समुद्र की आवाज आती है, ये रेजोनेंस है एक्चुअली, शंख नहीं। आप अगर पानी पीने का एक सादा गिलास जो होता है स्टील का, कांच का, इसको कान पर रखोगे तो इसमें से भी कुछ आवाज आएगी। जो चाय का कप है आपका, छोटा होता है चाय का कप, इसे कान पर रखो तो इसमें से भी आवाज आएगी। कोई भी, इवन ये कि अपना हाथ, अपना हाथ ऐसे ही गोल करके, अपना हाथ ऐसे गोल करके अपने कान पे रख लो तो आपको एक कुछ साई साई सी आवाज सुनाई देगी। हमारे जो एयर है, एयर में हमारे थाउजेंड्स मिल, बहुत सारी हजारों लाखों साउंड है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी इस शंख की साउंड की, शंख की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, वो आवाज तेज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, तो ये क्या समुद्र की आवाज से सुनाई देगी आपको। जिस साउंड, हमारी एयर में साउंड हजारों तरह की साउंड चल रही है, पहली हजारों लाखों तरह की साउंड हमारे एयर में है, उनमें से जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी वो रेजोनेट कर जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड तकड़ा हो जाएगा, और हमें इतना तकड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा कि वो सुनाई देने लगेगा। एक और जगह आपने रेजोनेंस देखा हुआ है, आपने सुबह असेंबली में क्या देखा हुआ है, कभी कभी जो आपका लाउड स्पीकर है वो एक बड़ी जबरदस्त सीटी सी बजाता है, अजीब सी सीटी बजाता है, बड़ी इनकन्वीनियंट सी होती है, अजीब सी सीटी होती है, तेज आवाज की सीटी, वो एक्चुअली रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि एयर में जो फ्रीक्वेंसी है उनमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आपका जो माइक है, माइक भी एक हॉलो स्ट्रक्चर है, जो हाथ में माइक पकड़ा हुआ होता है वो माइक एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। उधर स्पीकर ने उन्हें निकाला, फिर माइक ने पकड़ा, माइक ने वापस भेजा, इसने पकड़ा, निकल, तो वो रेजोनेंस हो जाता है, वो रेजोनेंस हो गया और बहुत तेजी के साथ बहुत अजीब सी सीटी सी आवाज यहाँ से निकलती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं रेजोनेंस के अपनी लाइफ में, कभी आपने सुना जरूर होगा ये, और आप में से कोई अगर फोर्स में जाएगा तो वहां ये सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि जब भी किसी पुल को पार करेंगे, ब्रिज को आप पार करती है, कौन पार करती है, जब ब्रिज को मिलिट्री, कोई फौज जब पुल को पार करती है, तो फिर उस टाइम जो उनके कदम है, मुझे क्या कहना चाहिए, जो उनके स्टेप्स हैं, कदम चलने के, उन्हें ब्रेक कर दिया जाता है।
मतलब पुल से पहले तो पूरी पूरी फौज ऐसे कदम से कदम मिला के चल रही है, लेकिन मतलब जब नॉर्मल है तो नॉर्मल में वो चल रहे हैं मार्च पास्ट करते हुए, मतलब कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। लेकिन जैसे ही वो पुल के ऊपर आते हैं, उनसे कहा था कि मार्च तोड़ दो, तो अब वो चल रहे हैं कैसे, वो चल रहे हैं भीड़ की तरह, भीड़ की तरह। भीड़ के कदम से कदम नहीं मिले होते, मेले में जो भीड़ लगी हुई होती है उसके कदम से कदम नहीं मिला के चलते हैं सब। वो मार्च पास्ट नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंस डे वाली मार्च पास्ट नहीं है। तो जैसे ही पुल पर आते हैं उनसे कहते हैं कि भीड़ की तरह चलो, आप कदम से कदम मत मिलाओ, स्टेप अपने ब्रेक कर दो। रीजन क्या है कि इस ब्रिज का एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर बाई दी वे मार्च पास्ट करते हुए कदमों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो भाई देखो जब हम चलते हैं तो एक पीरियडिक फोर्स लगाते हैं, ऐसे जब कदम से कदम रखते हैं तो हम पीरियडिक फोर्स अप्लाई करते हैं जिस जिस सरफेस पर भी चल रहे होंगे। अगर वो मार्च पास्ट वाले कदमों की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई तो पूरा ब्रिज नीचे गिरा देगी, पूरा ब्रिज नीचे गिर जाएगा। इतना तकड़ा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ऑसिलेशन इतना तकड़ा होगा कि पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिर सकता है, पूरा का पूरा ब्रिज ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए जब भी ब्रिज पर जाती है कोई सेना तो वहां फिर स्टेप्स तोड़ दिए जाते हैं, भीड़ की तरह चलते हैं, फिर वो मार्च पास्ट करते हुए नहीं चलते। एक चीज और याद रखिएगा कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी शेप एंड साइज और मटेरियल तीनों बातों पर डिपेंड करती है। जिस बॉडी की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हो उसकी शेप क्या, साइज क्या और मटेरियल का, इसमें से एक फैक्टर है लार्जर द साइज स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी। जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी। तो ब्रिज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती, 4, 5, 10 हर्ट्ज होती है बस, और कदमों की भी फ्रीक्वेंसी लगभग उतनी ही है। तो अगर बाई दिवे ये दोनों मैच कर गए तो इतना तकड़ा वाइब्रेशन ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन हो सकता है इस ब्रिज में कि पूरा ब्रिज ही नीचे गिर जाए। इसलिए जब कोई मिलिट्री मार्च पास्ट करेगी, मार्च पास्ट नहीं करेगी ब्रिज पर, वो अपने स्टेप ब्रेक कर देंगे और भीड़ की तरह चलेंगे ताकि सारी फोर्स एक साथ पीरियडिक फोर्स ना बन पाए।